गाइस आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है ना दोपहर ही से स्टार्ट करेंगे और मोहम्मद अली अहमद बाबा मेरे साथ हैं, मेरी गोद में चढ़ गए। ये देखें जी हंसी आ रही है, बड़े मज़े आ रहे हैं। और जो है ना बस कल रात से जो है ना मोहम्मद अली ने तमाशे दिखाए, बहुत सारे मस्तियाँ की और एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। और बस सुबह जब मैं आज सुबह जो है मैं उठी थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो अचानक से मैं उठी थी कि देर ना हो जाए कहीं बच्चों को ना, तो बस उस अचानक की वजह से ना मेरे यहाँ पर सर में ना बड़े दर्द सा होने लगा शुरू, और काफ़ी देर तक वो दर्द रहा कि मैं रोने भी लग गई कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो बस ऐसा लगा सुन सा हो गया है। तो अभी बच्चे कार्टून वार्टून देख रहे हैं और जल्दी से जो है ना मैं लंच इनका रेडी करती हूँ। तो लंच में हम क्या बना रहे हैं तो चलो चलो जी गाइस, ये देखें ये मैंने जो है ना पालक शालक काट ली है, तो चलें अब इसको रेडी करते हैं हम लोग। और इसी में मैंने सोया डाल दिया है और अब मैं जो हूँ ना इसको अच्छे से वॉश करूँगी। आपको पता है पालक में कितनी गंदगी होती है, कितनी मिट्टी होती है, तो ज़रूरी है कि इसको अच्छे से वॉश कर लें। गाइस अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ये देखें जी कि मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है सब्ज़ी के लिए। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। और ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। चलें जी ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट होता जा रहा है और मैंने जो पालक वॉश की है उसको मैंने पानी में ही भिगोया हुआ ताकि अच्छी तरीके से जो है ना उसका जितना भी गंदगी है वो अच्छे से वॉश हो जाए। और चले और उसमें ही मैंने ना सोया भी डाला हुआ है। चले अभी इसमें डालते हैं। चलें जैसे जैसे ये नीचे होती जाएगी मैं वैसे वैसे अपनी पालक डालती रहूँगी। आप उतनी क्वांटिटी में बनाइएगा जितनी क्वांटिटी में आपकी फ़ैमिली में खाने वाले हों और जितना आपको बनानी हो, तो उसी हिसाब में जो है ना आप बनाइएगा। तो अभी जब ये थोड़ी सी बैठ जाएगी अपने पानी से तो मैं थोड़ी और ऐड कर दूँगी जी। काफ़ी मेरी पालक जो है नीचे बैठ गई है, अब मैं थोड़ी सी इसमें पालक और ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी सही है। और अभी मैं ना आलू वगैरह सब चीज़ें सारे मसाले ऐड कर दूंगी ताकि ये बन जाए आराम से। और जी बहुत जल्दी क्विकली रेडी हो जाती है जल्दी से। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना अंदाज़ है, तो मेरा ये तरीका है। और चले जी मैं इसमें आलू अपने हिसाब से रख रही हूँ, जितनी मेरी फैमिली में खाया जाता है, जितने मेरे बच्चे खाते हैं उसी हिसाब से मैंने रखे हैं आलू। और आप लोग देख लीजिएगा 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है और 1 चम्मच मैं लाल मिर्चें लूँगी और 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाला ले लिया है। गरम मसाला पालक ना अपने पानी के अंदर खुद ही पकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल जी। बस अब लिड लगा दूँगी और ये पालक खुद ही। चले जी देखें ये हमारी पालक होती जा रही है और ये मैंने मेथी जो है काट ली थी ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कलरफुल सी। और चले जी पालक जब खुशक हो जाती है तब पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में है आपके पास, वरना पालक बहुत सारी लगती है। ये देखें पूरा फुल भरा हुआ था और कम होती जा रही है और कम हो जाएगी। ये मैंने 1.5 चम्मच नमक भी इसमें डाला। देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और पालक जो है ना बिल्कुल ड्राई होती जा रही है। ये देखें इसका पानी जो है ना मुझे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। चलें जी ये देखें मेरी पालक ड्राई हो चुकी है, तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी ये मैंने निकाल लिया है और ये कितनी ज़बरदस्त पालक लग रही है मेरी पालक आलू। और ये आप बेसन की रोटी के साथ खाएँ, पराठों के साथ सुबह सुबह खाएँ, रात में खाएँ, लंच में खाएँ, डिनर में खाएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत खुशबू आ रही है। तो सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, तो जी मेरा ये तरीका है। तो ये देखें जी खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही है इसमें से।
जी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयरिंग कर दें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोगों की मोहब्बत की, प्यार की ज़रूरत है। और YouTube पे जो चैनल है उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घरों में गर्मियाँ आ चुकी हैं, इंजॉय करें पराठों के साथ, बहुत यम्मी बहुत मज़े की रेसिपी है मेरी। और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। हेलो गाइस, अभी मैं आलू जो है ना बॉईल कर रही हूँ, बच्चों के स्कूल के लिए रोल बनाऊंगी वेजिटेबल और इसके साथ आलू के साथ। और उस दिन मैंने चिकन के और चिकन विद चीज़ी रोल बनाए थे स्कूल के लिए, तो चलें हम लोग रोल तैयार करते हैं। चलें गाइस, ये देखें, ये मैंने जो है ना आलू जो है इस तरह से कट कर लिए हैं। अभी इसको मैं मैश करूँगी, जब तक मैं इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ। ये मैं 2 चमचे जो है काली मिर्चों के डाल रही हूँ जी, और ये जो है मैं 1.5 चमचा जो है ज़ीरा डाल रही हूँ। जितनी आपको, जितनी क्वांटिटी में आपको रोल बनाने हो उतनी क्वांटिटी में आप चीज़ें लीजिएगा। चलें जी, और 1.5 चमचा मैंने इसमें थोड़ा सा, 1.5 चमचे से थोड़ा सा कम जो है ना नमक डाल दिया है मैंने। और चलें थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूँगी। ये देखें जी, बिल्कुल थोड़ा सा ना मैंने ये सोया सॉस डाल दिया, ठीक है। और थोड़ी सी मैं इसमें हल्की सी 1/2 चमचा या 1 चमचे से कम जो है ना मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मैश करूंगी मैं। और जी 1 चमचे के बराबर ये मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है, ठीक है जी, खाने का जो 1 चमचा होता है हमारे जो हम लोग खाते हैं। और अब इन सब चीज़ों को मैश करूंगी, फिर इसमें सब्जियां ऐड करूंगी और मैं रोल रेडी करूंगी। गाइस, ये रोल के लिए मैंने ऑयल जो है ना थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें मैंने सब्ज़ी ले ली है अपनी पसंद की, अपने बच्चों की पसंद की। आप लोग अपने बच्चों की पसंद की ले लीजिएगा, जो आपको रोल में चाहिए सब्ज़ी वो डाल दीजिएगा, ठीक है जी। गाजर मैं इसलिए नहीं डाली हूँ, ये आलू और सब्ज़ी के हैंगे रोल, तो आलू जो है मीठे हो जाएंगे इसलिए मैंने गाजर बिल्कुल भी नहीं लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल रही हूँ, सोया सॉस मैंने आलू में भी डाल चुकी हूँ तो इसलिए कम ही डालूंगी। और ये हल्के हल्के से जो है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से नरम पड़ जाए और उसके बाद मैं आलू इसमें डाल देती हूँ जी। चलें ये देखें, ये नरम पड़ती जा रही है, और अब मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, ये देखें जो मैंने रेडी किया था मसाले के साथ। चलें जी, ये नरम पड़ चुका है, और अब मैं इसको किसी भी बाउल में निकालती हूँ ताकि मैं रोल रेडी करूँ आलू के और वेजिटेबल के। चलें जी, इसको फ्लेवर और मज़े का करने के लिए मैं इसमें चीज़ के स्लाइस डाल रही हूँ, सिर्फ 3 ही डालूँगी मैं। चलें जी, इसको भी अच्छी तरीके से आप इसके अंदर ही ना मैश कर लें। चलें गाइस, और हम लोग अपने रोल रेडी करते हैं। और ये देखें, ये पट्टियाँ जो है ना मैंने बाहर से मंगाई थी, क्योंकि मोहम्मद अली बहुत तंग करने लगे हैं, तो मैंने घर में नहीं बनाई हैं आज कल पट्टियाँ, क्योंकि बस यही झटपट सी जल्दी से बन जाती हैं। आप अगर इसी तरह से बना लें और घर में, तो वो ये बहुत अच्छी रोल की बन जाता है इससे। ये देखें जी, ये मैंने इसका जो है ना तैयार किया था बैटर, कि जो मैं इस पर लगाऊँगी, ठीक है जी। जी मैं ना सिंगल रोटी नहीं ले रही, मैं डबल ले रही हूँ, ताकि बच्चों को स्कूल में पेट वेट भी भर जाए उनका आराम से, और अच्छा से ये कुरकुरे से हो जाते हैं, तो मैं डबल रोटी ले रही हूँ और सिंगल नहीं ली है मैंने। तो वो सिंगल जो है ना, फिर सिंगल रोल बन जाता है छोटा सा, तो बच्चों का पेट इतना नहीं भरता। तो चलें अब इसमें भी हम डाल दें। चलें जी, अब इसको भी बनाते हैं हम। चलें जी, ये इस तरह से ना पैकेट बना लेते हैं। चलें जी, चाय भी अब मैंने बना ली है, ताकि गैस ना जाए, और गैस से पहले पहले ना मैं चाय अपनी बना के रख लूं। और देखें, कोई मसला ही हल नहीं हुआ गैस का, और पता ही कब होगा। और पीछे से मोहम्मद अली जो है ना अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जो आपको आवाज़ें आ भी रही होंगी। तो चलें जी, ये
देखें जी, ये मोहम्मद अली बैठे हुए हैं। अले अले कहाँ कर ली, शो के उठे हैं और हाँ म्यूजिक चल रहा है गाड़ी में। ये इनकी गाड़ी है और ये देखें इसमें म्यूजिक चल रहा है और ये मजे कर रहे हैं। गाइस फाइनली टेलर के पास से कुछ कपड़े मेरे आ चुके हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं थोड़ी से। और ये देखें मेरी बहुत खूबसूरत सी शर्ट आई है, और चलें जी मैंने शर्ट सिलवाई थी। मैंने जी ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शर्ट है मेरी, ये कॉलर मैंने रखवाया था, ख़ुद ही मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी, और ये आजकल जो पफ चल रहा है वो। और ये देखें यहाँ पर मैंने जो है लास्टिक रखवाई थी, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र पहनूंगी मैं और ब्लैक ही मफलर लूंगी या ब्लैक इसके साथ कोई दुपट्टा मैं लूंगी। अच्छा ये गोल दामन में ही मैंने सिलवाई हैं सारी शर्टें, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है मेरा शर्ट। और जब मैं इसको वेयर करूँगी तो आप देखिएगा जी, ये देखें ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखें ये सेकंड शर्ट है मेरी, ये चिकन की है और बहुत खूबसूरत सी, इसका दामन चिकन का है बहुत प्यारा सा। और ये देखें जी कफ कहते हैं इनको, क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया कि क्या कहते हैं, ये भी जो है ना फुल जो है ना चिकन का है। और चलें जी इसको खोलते हैं और ये देखें बहुत ही खूबसूरत मेरी शर्ट है, ये भी मैं वेयर करूँगी ब्लैक ही मफलर के साथ या ब्लैक दुपट्टे के साथ। चलें जी और ये इसका गला भी देखें मैं, और ये देखें जी इसका ये गला है, पीछे इसकी ज़िप रखवाई है मैंने, हर कपड़ों में हर सूट पे मेरे ज़िप होती है, और ये मैंने गला बनवाया है इसका बहुत खूबसूरत सा। और ये प्यारी सी इसकी आस्तीनें हैं, और ये देखें जी ये बहुत अच्छा जी, ये थर्ड सूट हो गया मेरा, थर्ड शर्ट है इसकी जो है, ये सूट है पूरा। ये देखें इसकी स्लीव्स ये मैंने ऐसे ही रखवाई हैं क्योंकि आज कल अभी थोड़े ही दिन बाद जो है रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पता है नमाज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नमाज में ऐसी ही स्लीव्स सही रहती हैं जो आराम से ऊपर चढ़ जाएँ। और ये देखें जी ज़बरदस्त है इसके काम हुआ हुआ है पूरी शर्ट पर इसके, ये देखें। और इसका भी मैंने प्लेन ही गोल गला रखवाया है क्योंकि मैं ज़्यादातर प्लेन ही गले पहनती हूँ और मुझे इतना हड़ाहुड़ी वाले पसंद नहीं है। और इसकी पूरी ही शर्ट पे जो है ना काम हुआ हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा, मोहम्मद अली जब से उठे हैं तब से ही तंग करे जा रहे हैं, आजकल बड़े हो रहे हैं तो शायद उनकी एक्टिविटीज़ चेंज होती जा रही हैं, शरारतें बढ़ती जा रही हैं। ये देखें जी इसका भी गोल ही गला है और ये भी इसके भी पीछे ज़िप लगी हुई है बहुत खूबसूरत सा। ये देखें जी इसके जो बैक पर काम हुआ हुआ है, इसके गले के बैक पर ये देखें कितना ज़बरदस्त सा काम हुआ हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। चलें जी ये इसका ट्राउज़र है और इसके ट्राउज़र पर भी काम हुआ हुआ है इसकी शर्ट जैसा, ये देखें जी ये प्लेन ट्राउज़र है और सिंपल सा है। चलें अब ये वाला सूट हम दिखाते हैं, ये भी सिंपल सा है, इसका ट्राउज़र देख लें जी, ये बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है इसका, कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको कहा मुझे सिंपल ही सा पसंद है और मुझे थोड़ा ज़्यादा हड़ाहुड़ी वाले कपड़े नहीं पसंद। इसका भी गोल दामन है, ये देखें जी ठीक है इसका भी गोल ही दामन है, और इसकी स्लीव्स भी मैंने ऐसे ही रखवाई हैं लास्टिक वाली। और चलें जी इसका गला भी जो है ना ऐसे ही, ये देखें जी इसके बैक पे भी ज़िप है, ज़िप मैं हर सूट में लगवाती हूँ, फुल ज़िप मुझे बहुत अच्छी लगती है और सबका अपना अपना चॉइस है। और ये भी गोल गला है और सिंपल सा है, अब मैं कैसे वेयर करूँगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी दिखाऊँगी। और इसके साथ भी मैं मफलर लूँगी या दुपट्टा लूँगी वेयर करूँगी, किस कलर का लूँगी किस उसका लूँगी मैचिंग करके, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। ये थे मेरे प्यारे प्यारे से सूट जो अभी आए थे टेलर के पास से, दो अभी और आने हैं तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे बनवाए हैं मैंने, तो वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे।